ए आली आली मजी सुनो आली ये बड़ा ये क्या मजा आया गैरेज में हाँ और पूरा दिन गैरेज में थे तुम लोग नहीं बाबा हम लोग सिर्फ गैरेज नहीं गए थे फिर हम लोग गैरेज गए थे उसके बाद क्या हुआ अरे देवा इस लड़के को पढ़ाई से इतनी परेशानी क्यों है इसका कुछ करना पड़ेगा आहो माना कि आप शिक्षक हैं लेकिन उससे पढ़ाई की बात करने की जरूरत नहीं है क्या है फिर से भाग वगैरह गया ना तो अपने सोड़ी भाई की बदनामी होगी उगा सच उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है पता है माधवी लेकिन बच्चों का भविष्य सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी है और खास करके मेरी क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ मैं इसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता बाबा मैं भी वही सोच रही थी बिट्टू पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका क्या होगा वो बहुत टैलेंटेड है मैंने बताया ना गैरेज में ऐसे फटाफट सारा काम कर दिया और मॉल में कंपटीशन भी जीत गया वही तो उसको अभी पता नहीं चल रहा कि उसका क्या नुकसान हो रहा है उसको आगे जाके पछतावा होगा ये तो रहा है पापा अभी सोडा शॉप पे सब मिलेंगे ना तब सोडी से बात करता हूँ अब ये बिट्टू सिर्फ सोडी की नहीं पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की जिम्मेदारी ये भीड़ ने अच्छा किया सबको क्लब हाउस में बुला लिया हाँ वह बारिश में सोडा कैसे पीते हैं हाँ वही वही मैं भी वही बोल रहा हूँ कि भीड़ ने बहुत अच्छा किया कि सोडा पीने का प्रोग्राम यही क्लब हाउस में रख दिया हाँ मैं तो कहता हूँ कि जब जब बारिश हो तब तब सोडा पीने का प्रोग्राम हमें यहाँ क्लब हाउस में ही करना चाहिए हाँ पर लेकिन यह कार्यक्रम का आयोजक कहाँ रह गया अय्यर भाई कौन अरे कौन क्या आपका आत्माराम नहीं मेरे को नहीं मालूम आपको नहीं मालूम अरे हाँ मेरे को नहीं मालूम मेरे को मालूम होता तो मैं ऐसा क्यों बोलता कि मेरे को नहीं मालूम सच्ची नहीं मालूम अरे जेड़ा लाल मेरे को सच्ची नहीं मालूम क्या मेरे पीछे पड़ गया तुम तुमको आत्माराम से क्या काम है वो मैं आपको क्यों बताऊं आप आत्माराम का सेक्रेटरी है अरे जेड़ा लाल क्या कुछ भी बोलता है क्या टाइम पास कर रहा है तुम अरे इधर टाइम पास करने के लिए तो इकट्ठा होते हैं हम लोग है? और काम क्या है इधर बना बना अब्दुल सबके लिए सोडा बना भाई भिड़े भाई को आ जाने दो अरे तुमने ये आजकल क्या नया चालू कर दिया है इसको आने दो उसको आने दो भाई जो है उनके लिए तो बना हाँ सोडा फूस हो जाएगा क्या हो जाएगा सोडा का जो गैस है ना वो उड़ जाएगा अरे लेकिन अब्दुल सबका सोडा एक साथ क्यों बनाना है तुझे वो लोग जब भी आएंगे तभी उनके सोडा बनाना सही बात है अब्दुल हमें तो सोडा पिला अभी सोडी भाई भी तो नहीं आए ओ आ गया भाई आ गया अब्दुल मेरा भी सोडा बना ओ पिडू कितने आए अय्यर ब्रा अरे मेरे को क्या मालूम मेरे को क्या पूछता है ओए थंडरा का अय्यर ब्रा इतना गुस्सा क्यों हो रहा है अरे सॉरी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिसको भी देखो ना वो मेरा कोई पूछता है आत्माराम किधर है आत्माराम किधर है ओ यार भाई जिसको देखो उसका क्या मतलब है भाई ये सोटी के पहले मैंने ही आपको पूछा तो मैं जिसको देखो आ गया हा? क्या आप मुझे पहचानते नहीं है क्या अरे आत्माराम अरे किधर है तुम जल्दी से क्लब हाउस में आओ अरे हाँ 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 अय्यर क्या हुआ भाई क्लब हाउस में आ रहा हूँ भाई इतना गुस्से में क्यों अरे तुम आया नहीं था सब लोग मेरे को पूछता था कि आत्माराम किधर है आत्माराम किधर है अरे तो बोल देते कि मालूम नहीं है अरे मैंने बोला कि मेरे को मालूम नहीं है फिर भी पूछते आत्माराम किधर है आत्माराम किधर है तो सब लोग मजाक कर रहे होंगे होगी नहीं यार तुम भी आइए और मास्टर जी आज लेट कैसे हो गया हाँ भाई बच्चों को शिष्टता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मास्टर खुद बेशिस्त हो गया बेशिस्त हाँ भाई लेट हो गया ना इधर आने में इधर टाइम पे आना चाहिए ना सब राह देख रहे तुम्हारी भाई अरे ये पाठशाला थोड़ी जो टाइम पे आऊँ है ना भाई ये पाठशाला ही है पाठशाला हाँ मस्ती की पाठशाला चलो चलो अब्दुल भैया अब तो सब आ गए भाई अब तो सोडा पिला दो अभी पिला भाई हाँ लाया लाया आ गए ये लीजिए गर्मा गर्म सोडा गर्मा गर्म अरे पोपट भाई
गर्मा गर्म सोडा का मतलब है फ्रेश ताजा सोडा। अरे वाह थैंक यू। क्या अय्यर भाई? अरे क्या अय्यर भाई क्या पोपटलाल, तुमको तब पता है ना आत्माराम जिगरी दोस्त है भाई। मैं दुश्मन हूँ? अरे नहीं नहीं तुम भी दो तो ये लो, ये तुम अरे ये लो ये लो भाई ये लो। तुम भी सॉरी भाई। और मैं भूल ना जाऊँ, ये आपका बिल 450 रुपए का। 450 रुपए? तू क्या सोडा पेट्रोल के भाव में बेचने लगा है? नहीं नहीं सॉरी भाई, ये सोडे का बिल नहीं है, आपने डोरबेल जो रिपेयर करवाया था ना ये उसका बिल है। ओह सॉरी, थैंक यू अब्दुल। इट्स ओके। ओ यारो, ओ मुझे बिट्टू के बारे में ना कुछ सलाह मशवरा करना है। अच्छा वाह सोडी, मैं भी अभी इसी पॉइंट पे आने वाला था। दरअसल क्या है ना, हमारे सोसाइटी के सामने खासकर सोडी के सर पे एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का नाम है पढ़ाई का दुश्मन बिट्टू। ओ हाँ यारो, ओ बिट्टू के बारे में बात करनी पड़ेगी, ओ मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सॉरी, ये बिट्टू का प्रॉब्लम क्या है? मैंने ऐसा सुना है कि पढ़ाई का बात करते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, और आगे उसको क्या करना है ये भी उसको क्लियर नहीं है। ओ यारो, मैं पूरी बात शुरू से बताता हूँ। सच तो ये है कि मैं अपनी मम्मी पापा को बताए बिना घर से भाग कर आया हूँ। ओए बिट्टू, भाग के गोकुलधाम सोसाइटी आया है? ओ यहाँ पे आके अच्छे अच्छे सुधर गए हैं। ओ ऐसा समझाऊंगा बिट्टू को कि वो फिर से पढ़ाई करने लगेगा। मैं की कहना, तू ना गराज खोल ले और मैं बात कर लूंगा तेरे प्यो संजू से, और झड़ पढ़ाई छड़ाई नू। और ना ना पुत्र, गलती से भी ऐसा मत करना। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना, हमारी तरह जिंदगी भर मैकेनिक बन के रह जाओगे। अरे नहीं करनी है मुझे पढ़ाई। अरे बिट्टू, मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या सोड़ी अंकल, अगर मुझे दुकान पर ही बांटना होता तो मैं मेरे पापा की दुकान पर नहीं बांटता। तो फिर क्या करना है बेटा? पता नहीं। पता नहीं क्या बेटा, पढ़ाई करो। पढ़ाई 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 नहीं करनी है मुझे पढ़ाई। Congratulations, आज के विजेता है ब्रिजेश मिश्रा। ओ पैगा सारे झंडे, पिट्टू ने झाड़ दिए अपने झंडे। थैंक यू। इस मॉल के सेकंड फ्लोर में एक स्टेशनरी की दुकान है, वहाँ से आप कोई भी पढ़ाई का सामान लोगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओ जी, वो इतना होनार लड़का है कि पूछो मत, पता नहीं अचानक क्या हो गया। छोटे कहीं भूत भूत ने तो नहीं पकड़ लिया? जेठालाल क्या कुछ भी बात करता है? अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ यार भाई, ऐसा होता है वो बहुत होशियार विद्यार्थी होते हैं ना, वो कभी कभी भूत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? वो तो अभी भूत को पूछो, मुझे क्या पता। अरे जेठालाल, जब तुमको मालूम नहीं है तो क्यों बाल तुम्हें फेंक रहा है? अरे फेंक नहीं रहा हूँ भाई, मेरे क्लास में ऐसा ही एक बहुत ज्यादा होशियार विद्यार्थी था। हाँ। अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने पढ़ाई छोड़ दी और वो बटाटा की वेफर बेचने लगा। तो फिर अभी वो क्या करता है? अभी भी वो बटाटा की वेफर ही बेच रहा है। अरे रे 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 रे। नहीं, उसमें हरा हरा करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी वो करोड़पति हो गया भाई वेफर बेच बेच के, उसकी खुद की बड़ी कंपनी है। अच्छा जेठालाल, तुम कहना क्या चाहता है? भूत ने उसको पकड़ लिया, उसने पढ़ाई छोड़ दिया, तो ये अच्छा हुआ। क्या भूत क्या बोल रहे हैं आप? अरे ये क्या हुआ, तुम इतने बार बार क्यों समझाना पड़ रहा है? मजाक कर रहे हैं जेठालाल। लेकिन जेठालाल, ये मजाक की बात नहीं है भाई। हाँ ठीक है चल, तो मैं क्या कहता हूँ भिड़े, अभी वो उसको छोड़ी है, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा वो उसको करने दो। जेठालाल, उसे इंटरेस्ट भले किसी और चीज में हो, लेकिन ऐसे माँ बाप को बताए बिना घर छोड़कर आ गया, ये तो गलत बात है ना? सही बात है। नहीं, मतलब
बिट्टू को अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था, ये सही बात है। और रहता की वो एक तो बारिश की वजह से वो गैराज का काम बढ़ गया और ऊपर से ये बिट्टू का टेंशन। बारिश आने की वजह से तेरा काम बढ़ गया, तूने लीकेज का रिपेयरिंग शुरू कर दिया है कि गैराज में चादर और रेनकोट बेच दे। ओ यारो उन मजाक छोड़ दो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मुझ पर। हाँ ये बिट्टू को है ना पढ़ाई से अलगाव हो गया है, उसे दूर करना है। सोड़ी बिट्टू अब सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, क्यों दोस्तों? हाँ सही बात है। करेक्ट करेक्ट आजमाराम, हमको उसको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए। वो गाइडेंस कैसे देंगे, वो जब भी पढ़ाई की बात करते वो तो घर से भाग जाने की बात करता है। मुझे लगता है कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा मतलब है कि किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, कल ही मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे भी पहचान के काउंसलर है, मैं कल उनसे बात करता हूँ। कल के कल ही इस बात का सोल्यूशन लाना ही पड़ेगा। किसी भी बच्चे की पढ़ाई खराब हो ये हम नहीं होने देंगे। नहीं नहीं बराबर है भाई, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ बनेगा नहीं, और कुछ बनेगा नहीं तो शादी नहीं होगी। वाह वाह पोपट भाई, आपने तो पढ़ाई का कनेक्शन शादी के साथ जोड़ दिया। अब्दुल पोपटल की सारी नदियां एक ही समुद्र को जाके मिलती है। वो भिड़े मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, अभी बिट्टू को समझाना जरूरी है। ठीक है तब भाई अभी चलते हैं, वो बिट्टू को हम कल समझाएंगे। जेठालाल तुम बिट्टू को मत समझाना, नहीं तो वो वेपर बेचना शुरू कर देगा। ओ यारो मेरी तो बस वाहिगुरु जी से यही अरदास है कि बिट्टू का मूड ठीक रहे और उसकी पढ़ाई का सलूशन मिल जाए। अरे सोड़ी डोंट वरी, सलूशन मिल जाएगा। रोशन किसी ने कुछ सलूशन दिया? बताता हूँ पहले है 10। बिट्टू कितने? वो दोनों बोगी के रूम में सो रहे हैं। अभी अभी मैंने मंजू से बात की, बेचारी बहुत टेंशन में थी। मैंने उसको बोला टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से कल तक बिट्टू की गड्डी रिपेयर हो जानी है। तेरा मतलब बिट्टू के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा? पर कैसे? अभी मैंने गोकुलधाम के यारों को बिट्टू के प्रॉब्लम के बारे में बताया। सबने कहा है मिलके समझाएंगे। ओ हतीपरा अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को बुलाने वाले, और पिलू अपने एजुकेशन काउंसलर दोस्त को। ओ मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर बिट्टू को पढ़ाई की पटरी पर चढ़ा कर ही रहेंगे। चल ठीक है अब चल के सो जाते हैं। ओ एक मिनट, पहले मैनू ताला दे। ताला? ताला साने मेरी जोई है। कहीं तू बाहर से ताला लगा के पार्टी शार्टी के लिए तो नहीं जाने वाला है ना? ओ नाना सुनिए, ओ मुझे तो मेन डोर को अंदर से ताला लगाना। लेकिन अंदर से ताला क्यों लगाना है? ओ ताकि बिट्टू अगर भागने का सोचे तो भी घर से भाग ना पाए। आई सारी आइडिया छे है ना। चल चेती कर, ताला दे। अब ये ताला कल सुबह ही खुलेगा। बहुत होशियार छे मारो रोशन। संगत नी रंगत छे। मुझे फिर से पढ़ाई की पटरी पर चढ़ाने का प्लान हो रहा है, मुझे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाने की सोच रहे हैं। सॉरी अंकल, कल आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं। सोड़ी अंकल, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और सॉरी
आप मुझे फिर से उस पढ़ाई की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ताला कल सुबह ही खुलेगा। रोशन, गोगी, वो क्यों हो गया रोशन? सब ठीक तो है? क्यों हो गया? ताला खुला हुआ था। वो तेरी, इसका मतलब है कि बिट्टू फिर भाग गया? ये पापा, बिट्टू तो अंदर सोया है। वो क्यों गल कर रहे हैं? सच्ची? हाँ, चलो चलो देखते हैं। चाहिए चाहिए। आया देखो पापा, आया देखो। वो बिट्टू पुत्तर? बिट्टू फिर भाग गया। सोडी अंकल, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन सॉरी, आप मुझे फिर से उस पढ़ाई की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मुझे भागना पड़ रहा है। अरे, आप मेरी चिंता मत करना। वो तेरी, मेरा फोन बज रहा है। शायद बिट्टू को फोन हो। हाँ, चलो 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 चलो। ओए, संजू का फोन। हे वाहेगुरु जी, ये कैसा इम्तिहान है? या बिट्टू गायब है और यहाँ उधर पे संजू का फोन। वो क्या जवाब दूंगा उसको मैं? एक काम करता हूँ, मैं फोन ही नहीं उठाता। अरे चक्रम, फोन उचक, नहीं तो उनको और जस्ती टेंशन हो जाएगा। अब तो फोन उठा के क्या बोलूं कि बिट्टू यहाँ से भी भाग गया, वो तब टेंशन नहीं होगी। ए रब जी, ये कैसी परीक्षा है? वो मैंने अपने दोस्त को वादा किया था कि मैं उसके बेटे का ख्याल रखूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी से फेल हो गया हूँ और ये मैं नहीं बता सकता उसको। लेकिन कब तक छुपाएगा, बताना तो पड़ेगा ही। कह भी है। पापा, एक काम करते हैं, अब संजय अंकल का फोन उठाओ और उन्हें कह दो कि बिट्टू सो रहा है, हम लोग फटाफट बिट्टू को ढूंढने चलते हैं। ये अच्छा आइडिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग सोडी। अजी काई की गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, एकदम टॉप क्लास। तो काहे की गुड मॉर्निंग ऐसा क्यों बोला? वो दरअसल, वो आप लोगों की गुड मॉर्निंग बेड टी से होती है ना, वैसे ही मेरी गुड मॉर्निंग बेड लस्सी से होती है। तो रोशन ने मुझे अभी तक बेड लस्सी नहीं दी है, तो इसीलिए जब तक मैं लस्सी नहीं पी लेता ना, तो मेरी मॉर्निंग गुड नहीं होती। अच्छा 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 अच्छा, ये बता बिट्टू कैसा है, सब ठीक है ना? नहीं नहीं, ठीक नहीं हो, ऐसा हो सकता है? तो बिट्टू यही है। अच्छा ये बता, उसने नाश्ता किया? नहीं, वो क्या है कि कल सारा दिन हम घूम रहे थे ना, तो कुछ ज्यादा ही थक गया, तो अभी तक सो रहा है। सोड़ी भाई, आपको जितना थैंक यू बोले ना उतना कम है। बहुत थैंक यू मत बोलो प्रजाई जी। क्यों? क्यों? क्योंकि दोस्ती में क्या सॉरी तो की थैंक यू। हाँ भाई, वो भी है। अच्छा सुन सोडी, मैं और मंजू एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, दोपहर तक तेरे पास पहुंच जाएंगे। क्या? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? नहीं, मैं कह रहा था कि आने की लोड़ है। मैं तेनु कल किया सी ना कि मैं सब संभाल लूंगा। अरे दोस्त, तू कब तक संभालेगा? देख, मैं तेरी परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए मैं और मंजू वहां पर आ रहे हैं, उसको दो थप्पड़ मारेंगे और अपने साथ वापस मिनट लेकर जाएंगे। अरे लेकिन सोडी, मैं जानता हूँ उसको तेरे पास रहने में मजा आ रहा होगा, लेकिन सुन, उसको लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हम आ रहे हैं। ठीक है, रब रखा। क्या कहा उन्होंने? बेड़ा गर्क हो गया। वो मेरठ से संजू और मंजू मुंबई आ रहे हैं। उतरे अब आएंगे और अपने बेटे के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूंगा कि नहीं ख्याल रख पाया मैं उसका,
ओए लानत है मुझ पे। रोशन टेंशन मत ले, बड्डू सारू ठसे खुदाई जी छे ना। पापा हम लोग नीचे चलकर अब्दुल भाई को पूछते हैं, शायद उन्होंने कहीं बिट्टू को जाते हुए देखा हो। ये जो गेंद है ना, आप कोशिश कर सकते हैं कि इस दिशा में जाए या इस दिशा में जाए, तय नहीं कर सकते आप ये किस दिशा में जाएगी। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, आप समझा सकते हैं कि भाई ऐसा कीजिए, जरूरी नहीं है कि वो वैसा करें। और हर सोसाइटी में आपको ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो जमाने से उल्टा सोचते हैं, कोई प्लान बन जाए तो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे उत्तर तो वो कहेंगे दक्षिण, आप जिस दिशा में कहेंगे उस दिशा में वो कभी नहीं चलेंगे। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और समय मिले तो खेलते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.